गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन टुडेज लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन इन डिमांड एज वेल एज टू टाइप्स ऑफ द वेरिएशन इन डिमांड। इट मीन्स एक्सपांशन ऑफ डिमांड एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर। नाउ टुडे we are going to learn about very important topic which is called as changes in demand. So changes in demand as well as types of the changes in demand will be learned in today's lecture. Dear friends, first we should know the concept of changes in demand. When demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors and price remain constant, it is known as changes in demand. Dear friends, when demand for a commodity, yani ki vastu ki demand increase or decrease hoti hai, it means demand for commodity increases or decreases due to change in other factors, due to change in other factors. So other factor means consumer's income, size of population or any other factors, and price remain constant, price of the commodity is remain constant, it is called as changes in demand. Yani ki vastu ki kimat constant hoti hai aur consumer ka income ho ya size of population ho, is prakar ki other factors उनमें चेंज होता है, और जिसके कारण यदि वस्तु की डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो उसे ही हम चेंजेस इन डिमांड कहते हैं। इट मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीजेस और इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, एंड प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज in the price of commodity, and other factors which determine demand each changes, and as a result quantity demanded for a commodity is increases or decreases, which is called as changes in demand. इस प्रकार वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, और other factors जैसे कि consumer का income हो या size of population हो, इनमें चेंज होने के कारण यदि वस्तु की डिमांड पहले से ज़्यादा या कम होती है तो उसे हम चेंजेस इन डिमांड कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हियर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, बट देर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स, लेकिन अदर फैक्टर में चेंज होता है। सो अदर फैक्टर मीन्स कंज्यूमर्स इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा चेंजेस, एंड एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सो इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, एंड रीजन इज चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। इट मीन्स अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर कमोडिटी, एंड प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, but other factors changes and which impact on quantity demanded of commodity. It means quantity demanded increases or decreases, and reason is changes in other factors, price is remain constant. So changes in other factors is impact on quantity demanded. It means there will be increase or decrease in quantity demanded due to change in other factors, and price is remain constant. It is known as changes in demand. Here we will take example. Suppose price of commodity per unit 10 rupees, when 20 units of commodity is demanded, quantity demanded is 20 units. Suppose price is 10, there is no change in the price, and 40 units of commodity is demanded due to increase in consumer's income. Consumer ke income mein yadi increase hota hai
तो उस समय सेम प्राइस पर ही मे डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. सो हियर मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज डिमांडेड. इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेस एंड रीजन इज चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम. प्राइस इज रिमेन सेम, देर इज नो चेंज इन द प्राइस. सो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड. इट मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड. इन द सेम वे इवन एट कॉन्स्टेंट प्राइस इफ हिज इनकम डिक्रीजेस देन ही विल डिमांड लेस क्वांटिटी. इट मीन्स लेस क्वांटिटी और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट. वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण यदि डिमांड ज़्यादा या कम होती है तो उसे ही हम चेंजेस इन डिमांड कहते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड. फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड एंड अनदर इज डिक्रीज इन डिमांड विच विल बी डिस्कस इन डिटेल. सो इंक्रीज इन डिमांड, सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, कंज्यूमर्स इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट. सो जब वस्तु की प्राइस कॉन्स्टेंट है, देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देर इज फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेस्ट हो, कंज्यूमर्स का इनकम हो या क्लाइमेटिक कंडीशन हो, इनमें फेवरेबल चेंजेस होते हैं एंड एज ए रिजल्ट इफ मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे. सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस होते हैं. यदि कंज्यूमर का इनकम पहले से बढ़ता है तो सेम प्राइस पर ही मे डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. सो यहाँ पर प्राइस कॉन्स्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स यानी कि कंज्यूमर्स इनकम ज़्यादा होता है, फेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम होता है, तो ही विल डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विच इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. सो हियर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन प्राइस, बट मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एंड फेवरेबल चेंजेस इज द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. सो हियर वी विल टेक इजी एग्जाम्पल. सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपीज पर यूनिट, देन 20 यूनिट्स इज डिमांडेड. इफ प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन द प्राइस, सेम प्राइस 10 रुपीज, बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 20 टू 40. इट मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज डिमांडेड हियर एट कॉन्स्टेंट प्राइस. कॉन्स्टेंट प्राइस पर यहाँ पर पहले से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की डिमांड हो रही है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स. फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स के कारण यहाँ पर सेम प्राइस पर मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड विच इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. यदि हमारा इनकम कम होता है तो 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस होने के बाद 20 यूनिट्स विल बी डिमांडेड. अब इनकम यदि बढ़ता है तो सेम प्राइस पर मोर यूनिट्स विल बी डिमांडेड विच इज एट कॉन्स्टेंट प्राइस विच इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, जिसे हम डिमांड में इंक्रीज हुआ है ऐसा कह सकते हैं. सो हियर वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. इट इज अवर ओरिजिनल डिमांड कर्व डीडी. हियर प्राइस इज मेजर्ड ऑन वाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस. डीडी इज अवर ओरिजिनल डिमांड कर्व. ऑन द ए पॉइंट प्राइस इज ओपी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ओक्यू. ऑन ए पॉइंट्स प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू. सपोज प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन द प्राइस एंड इफ कंज्यूमर इनकम इज इंक्रीजेस, इट मीन्स फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स. कंज्यूमर का इनकम यदि बढ़ता है तो यहाँ पर सेम प्राइस ओपी, सेम प्राइस पर ही विल डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. और यदि वह Q1 तक डिमांड करता है
एट कॉन्स्टेंट गिवन प्राइस। तो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। यहाँ पर डिमांड कर्व D1 जो कि इंक्रीज इन डिमांड डिनोट्स कर रहा है, जिसके बी पॉइंट पर ओपी प्राइस है, इट मीन सेम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, यानी कि ओ Q1 तक क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है। सो एक्चुअल इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q Q1 या ए से बी तक, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो हियर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। D1 इज द डिमांड कर्व विच शोज इंक्रीज इन डिमांड एंड DD इज अवर ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो हियर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व के शिफ्ट होगा। सो यहाँ पर हमने इंक्रीज इन डिमांड देखा है, देन डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। सो हियर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बट देर इज अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, इट मीन्स टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, इनमें यदि अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं और ये अनफेवरेबल चेंजेस के कारण यदि वस्तु की डिमांड पहले से कम की जाती है तो उसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे, जहाँ पर प्राइस सेम है। सो हियर लेस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज डिमांडेड एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन इज अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट है, देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। सो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेस्ट एक्सेट्रा एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता और अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होने के कारण वस्तु की डिमांड पहले से कम की जाती है तो उसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। सो हियर वी विल टेक एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपीज़ व्हेन 20 यूनिट्स इज डिमांडेड एंड इफ प्राइस इज 10, इट मीन्स नो चेंज इन द प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस देन बिफोर, ओनली 10 यूनिट्स इज डिमांडेड। सो 20 से 10 तक जो डिमांड कम हुई है उसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। सो हियर इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। इन दिस डायग्राम वाई एक्सिस मेजर प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एक्स इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, DD इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, ऑन ए पॉइंट्स ऑन द DD ओरिजिनल डिमांड कर्व OP इज द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड OQ। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत में चेंज नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर्स का इनकम यदि पहले से कम होता है तो ही विल डिमांड लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड एज ए रिजल्ट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो D2 विल बी डिक्रीज इन डिमांड कर्व शो करने वाला पॉइंट है। सो डिक्रीजिंग डिमांड कर्व, ऐसा ही उसे हम कह सकते हैं D2। सो हियर ऑन द बी पॉइंट्स प्राइस इज सेम OP एंड क्वांटिटी डिमांडेड OQ2। सो Q Q2 या ए से बी तक जो पोर्शन है विच शोज डिक्रीज इन डिमांड। सो डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होता है, ये ध्यान में रखना है। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो हियर वी हैव सीन डिक्रीज इन डिमांड ऑल्सो। डियर फ्रेंड्स, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व विल बी शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व विल बी शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो हियर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम होती है
फेवरेबल चेंजेस होता है तो देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड, इफ अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड. सो हेयर वी हैव सीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑल्सो. चेंजेस इन डिमांड में दो प्रकार है, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड. दोनों में भी प्राइस सेम होती है, प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट. अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होते हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट. यदि अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज होते हैं, इफ देयर इज अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस इज रिमेन कॉन्स्टेंट देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड. दोनों में भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट. अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड, इफ देयर इज अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड. सो वी हैव सीन चेंजेस इन डिमांड विथ इट्स टाइप्स ऑल्सो. सो हेयर we have seen it, changes in demand in which price is remain constant and other factors determine quantity demanded of a commodity. If there is favorable change, there will be increase in demand, and if there is unfavorable change in other factors, there will be decrease in demand. So dear friends, we have seen changes in demand with its types also. So thank you so much.